हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम इंजन के बारे में पढ़ रहे थे। इंजन हमने जान लिया, आईसी इंजन क्या होता है, एसी इंजन क्या होता है। उसके अलावा हमने इंजन के सारे कंपोनेंट्स जान लिए, इंजन का मैकेनिज्म जान लिया, पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, डीजल इंजन कैसे काम करता है, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, एयर कूल्ड इंजन क्या होगा, वाटर कूल्ड इंजन क्या होगा। उसके अलावा हमने कुछ सिस्टम भी पढ़ लिए, जिनमें हमने पढ़ लिया फ्यूल सप्लाई कैसे होता है सिस्टम को, ल्यूब्रिकेशन कैसे किया जाता है, उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन कैसे होती है, और उसके अलावा हमने एक और पढ़ लिया कूलिंग सिस्टम। अब आपके कुछ छोटे छोटे सिस्टम और बच गए, जिसके अंदर सबसे पहली बात की जाए तो एक आपका बच गया एयर क्लीनर, उसके अलावा आपके बच गए हाइड्रोलिक्स, और उसके अलावा फाइनली आपका बच गया पीटीओ। ये तीन बिल्कुल छोटे छोटे सिस्टम है, ठीक है, जो आज आज की क्लास में अपने कवर कर लेंगे, उसके बाद में देखते हैं नया टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या कोई भी इंजन होगा, वो इंजन चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, क्या उसके लिए हवा जरूरी है? क्या इंजन को काम करने के लिए हवा जरूरी है? क्या मैं आप में से पूछता हूँ किसी से, आप बताइए साहिल, क्या कोई भी इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, टू स्ट्रोक इंजन हो, फोर स्ट्रोक इंजन हो, क्या उसको काम करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी? क्या यस सर। पेट्रोल इंजन में एयर कहाँ चाहिए होती है यार? पेट्रोल इंजन में तो पेट्रोल चाहिए होता है। मैं तो नहीं गया पेट्रोल पंप पे कभी हवा डलवाने के लिए, आप गए हो क्या? सर वो मिक्स हो जाती है ना उसमें। हाँ, पेट्रोल पंप पे तो नहीं डलवाते, लेकिन हवा तो हमारे आसपास ही है, तो क्या करेगा, एक आपके एयर फिल्टर लगा रहेगा, वो क्या करेगा, हवा बाहर से सक कर लेगा, ठीक है ना, और उस हवा को हमें छानने की जरूरत रहेगी, ताकि उस हवा के साथ में क्या ना आ जाए, अशुद्धियां ना आ जाए, ठीक है, मिट्टी विट्टी के पार्टिकल्स ना आ जाए ना हवा के साथ में, गंदगी इंजन के अंदर ना पहुंच जाए। अगर मान लो क्या होता है कि डस्ट अगर पहुंच गई, सपोज करो कि डस्ट जो है यानी मिट्टी जो है वो हवा के साथ में आपके इंजन के सिलेंडर में पहुंच गई, उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान होगा, आप अपने दिमाग में बस इतनी चीज सोच के देखो कि मान लो आंधी चल रही हो बहुत तेज से, और आंधी में आप घर से बाहर निकल गए, तो आपको क्या चीज महसूस होगी कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, सैंड के जो पार्टिकल्स है, वो आपकी स्किन पे आके जैसे ही टकरा रहे हैं, आपको यूं लग रहा है जैसे कि खुरदरापन महसूस हो रहा है आपको, ठीक है, तो एक रफ एक्सपीरियंस होगा आपको। उसी तरीके से क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल अगर सिलेंडर के अंदर चली गई, तो इसके कारण क्या होगा, खुरदरापन आ जाएगा, ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, लगातार ये खुरदरापन रहेगा, तो उसकी वजह से आपका इंजन सिलेंडर डैमेज हो सकता है, हो सकता है वो प्रॉपर ल्यूब्रिकेट ना कर पाए और उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हवा तो हमें चाहिए, वो चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, डीजल इंजन में हम केवल हवा को डालेंगे पहले, उसके बाद में नोजल से इंजेक्टर से क्या करते हैं, डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। ओके, पेट्रोल इंजन में हवा और फ्यूल के मिक्सचर को किया जाता है कार्बोरेटर की सहायता से, तो ये सारी बातें तो आप समझते हो। अब बात करते हैं कि हवा को छानने के लिए किस चीज को प्रयुक्त करते हैं अपने, वो पढ़ेंगे अपने सबसे पहले, जो कि क्या होते हैं, एयर क्लीनर्स। एयर क्लीनर के बारे में बात की जाए तो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन वैसे तो मैंने आपको दे दिया, फिर भी यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं अपने। सिंस द एयर फ्यूल मिक्सचर इज टू बी बर्न इन द कम्बस्टन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर, यानी बोला गया कि जो आपके दहन छत्र होगा आपके किसी भी इंजन का, ठीक है, इंजन सिलेंडर का दहन छत्र होगा, वहां पे हवा और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो जलता है, वो चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो। पेट्रोल इंजन में हवा और फ्यूल का मिक्सचर पहले से बना के सिलेंडर में भेजा जाता है, डीजल इंजन में अकेली हवा भेज दी और उस हवा के अंदर डीजल को मिक्स किया जाता है, ठीक है, लेकिन जलेंगे दोनों एक साथ ही। जैसे ही ये जिस तरीके से फ्यूल को भी हमें फिल्टर करने की जरूरत रहती है, आपने पढ़ा होगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, तो उसमें आपने दो तरीके के फिल्टर पढ़े थे, एक तो था प्राइमरी फिल्टर, दूसरा था सेकेंडरी फिल्टर, ठीक है। प्राइमरी फिल्टर पानी वानी या बड़े जो मटेरियल थे उनको आपके फिल्टर कर रहा था, जो सेकेंडरी फिल्टर था वो क्या कर रहा था, वो आपके जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स थे उनको फिल्टर करने का काम कर रहा था। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, तो जिस तरीके से हम फ्यूल को फिल्टर करेंगे, सेम उसी तरीके से हमें हवा को भी फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी इंजन के सिलेंडर में पहुंचाने से पहले। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, धूल के कण होंगे, वो हवा के साथ मिक्स होकर के कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके इंजन सिलेंडर में पहुंच जाएंगे, और ऑयल के साथ में, तेल के साथ में वो एक्ट करके क्या बना लेंगे, एक खुरदरा पदार्थ बना लेंगे, जिसके सहायता जिसके कारण क्या होगा, जो आपके सिलेंडर वॉल्स होंगे यानी सिलेंडर की जो इंटरनल दीवारें होंगी, लीनियर सिलेंडर, लीनियर होपफुली आप समझते हो क्या होते हैं, सिलेंडर लीनियर सिलेंडर ब्लॉक के बाजू में लगे रहते हैं, वो पार्ट्स रहते हैं जिनमें पिस्टन आसानी से स्लाइड कर सके, पिस्टन के स्लाइड करने के लिए पिस्टन, और उसके अलावा पिस्टन रिंग्स होगी, इनको डैमेज कर सकता है। अब आपको अच्छे से पता है कि पिस्टन रिंग अगर डैमेज होगी तो हो सकता है कि हमारा फ्यूल जो हो वो लीक करके नीचे वाले हिस्से में पहुंच रहा हो, या हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो हो, इंजन ऑयल जो हो, वो लीक करके आपके कम्बस्टन चैम्बर में पहुंच रहा हो, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम फर्दर क्रिएट हो जाएंगी। ल्यूब्रिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा तो आपका इंजन हीट करेगा, अगर इंजन हीट करेगा तो हो सकता है कि आपका इंजन फेलियर होने की संभावना भी रहे,
ठीक है, तो इन सारे करेक्टर, अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि इस सारी चीज के लिए जो एयर क्लीनर होगा उसको हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, हवा को बहुत अच्छी तरीके से आपके क्या कर सके, रिमूव कर सके, एयर पार्टिकल्स को या फिर दूसरे कोई भी उसमें कचरे वचरे हो उस चीज को रिमूव कर सके आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ एयर क्लीनर का फिर से यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया गया। उसके बाद में और इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोला गया, द लोकेशन ऑफ एयर क्लीनर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इससे आपने ठीक बोल दिया, ओके वेरी गुड, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम एयर फिल्टर को लगाए कहाँ पे, कौन सी जगह पे एयर फिल्टर को लगाना ठीक रहेगा। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर मान लीजिए किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर को डिजाइन करना हो किसी ट्रैक्टर का आपके एक मॉडल, तो वो जब एयर फिल्टर की लोकेशन को डिसाइड करेगा तो वो सबसे सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात होती है कि किसी भी ट्रैक्टर में हम एयर फिल्टर को कौन सी जगह पे रखते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसा आपके मशीन है जो मशीन कहाँ पे काम में ली जाती है, खेतों में काम में ली जाती है, और नो डाउट खेतों में बहुत ज्यादा मात्रा में धूल मिट्टी रहती है। तो उतनी ज्यादा मात्रा में धूल मिट्टी रहने के कारण प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैंने क्या कर दिया, इंजन के निचले सिरे में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मिट्टी की बात की जाए तो इंजन के नीचे वाला जो हिस्सा होगा उस हिस्से में सबसे ज्यादा डस्ट रहेंगी, क्योंकि वो इंजन के बिल्कुल नीचे है और वो सोयल के सबसे पास में, जैसे ट्रैक्टर चलेगा तो ट्रैक्टर के चलने के कारण धूल मिट्टी वहां पे उड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे अगर मैंने एयर फिल्टर लगा दिया तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि वो वाला जगह है जहां पे सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाएगी तो कितना ही फिल्टर कर लो कुछ मात्रा में मिट्टी तो अंदर जाएगी जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रैक्टर के उस वाले हिस्से में लगाया। अब ऐसा भी नहीं कि मैं पीछे की साइड में लगा दूं, क्यों, क्योंकि इंजन तो आगे है, आगे सप्लाई करनी है, मेरे को मैनिफोल्ड ज्यादा लगाने पड़ेंगे, वो एक खर्चा ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए हो सकता है डिजाइन करने मुश्किल हो जाए। लगानी तो मुझे फ्रंट पार्ट में ही है एयर क्लीनर, लेकिन बॉटम फ्रंट पार्ट में या अपर फ्रंट पार्ट में, तो उसके लिए क्या रह जाएगा कि ऊपर वाले इंजन के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा एयर क्लीनर को लगाया जाता है, ताकि क्या हो, वहां पे डस्ट का कम से कम प्रभाव हो और वहां से जो हवा अंदर जा रही है उस हवा में शुरू से ही क्या हो, कम मात्रा में आपके क्या हो, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो। तो यही बोला गया कि एयर क्लीनर की जो लोकेशन होगी किसी भी व्हीकल में कहाँ पे लगाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। डस्ट कंसंट्रेशन की अगर बात करें, धूल की मात्रा की अगर बात करें, धूल की सांद्रता की अगर बात करें, तो वो इंजन के नीचे वाले हिस्से में मैक्सिमम रहती है और इंजन के ऊपर वाले हिस्से में सबसे कम रहती है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, एयर क्लीनर को कहाँ पे माउंट किया जाता है, इंजन के ऊपर वाले हिस्से में। और ट्रैक्टर्स वगैरह के बारे में ये चीजें बोल दी गई कि इनको फील्ड में यूज करना पड़ता है हमें। कार्स की बात करेंगे तो कार के चलने के लिए तो भैया रोड बनी होती है, और रोड पे उतनी मात्रा में धूल मिट्टी नहीं चलती नहीं उड़ती जितनी मात्रा में आपके फील्ड पे उड़ती है, क्योंकि फील्ड पे कोई रोड्स नहीं होती, कच्चे रस्ते होते हैं, और खेतों में काम करना होता है उसे, खेतों में तो रस्ते बना ही नहीं सकते अपने। ठीक है, तो उसे फील्ड में काम करना होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट आएगी, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एयर क्लीनर्स को टाइम टाइम पे साफ करते रहें। ठीक है ना, ताकि वो अपना सही से काम करते रहे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, अपने फिल्टर तो लगा दिया लेकिन फिल्टर जब पूरा यूज हो गया, पूरा फिल्टर यूज कर लिया गया किसके द्वारा, प्योरीफाई एयर को, हवा को शुद्ध करने के लिए यूज कर लिया गया, तो फिल्टर होना है नो होना कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम टाइम टाइम से एयर फिल्टर को आपके मेंटेन करते रहें। हाँ जी, आगे बात करते हैं अपने किसके बारे में, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर के बारे में। अब हमने ये तो जान लिया कि जी आपके जो क्लीनर्स होंगे वो बहुत जरूरी रहेंगे, हवा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अब क्लीनर्स के टाइप्स की बात करेंगे तो जनरली दो टाइप के रहते हैं, एक होगा ऑयल बाथ, ठीक है, और दूसरा कैसा रहता है, ड्राई। अब ऑब्वियस है, ऑयल वाला रहेगा उसमें तेल रहेगा तो वो सूखा तो नहीं हो सकता, ठीक है, और दूसरे में कोई ऑयल वगैरह कोई लिक्विड नहीं रहेगा, वो सूखा रहता है। तो ये दोनों किस तरीके के फिल्टर होते हैं और क्या इनका मैकेनिज्म रहता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो, आपने डेफिनेटली ट्रैक्टर्स में ये वाला फिल्टर डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है। ऐसा जो ट्रैक्टर का फ्रंट बोनेट रहता है, उस बोनेट के ऊपर एक साइलेंसर लगा रहता है, या मफलर बोलते हो आप उसे, उसके बिल्कुल बाजू में ये वाला पार्ट भी लगा रहता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सारे ट्रैक्टर्स में ये लगा रहे, ठीक है। अगर आप थोड़े से हैवी ट्रैक्टर्स के बारे में बात करोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ महिंद्रा का अर्जुन हो गया, इस प्रकार के थोड़े हैवी ट्रैक्टर्स, बड़े ट्रैक्टर्स की बात करोगे, तो उनमें ये वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनमें ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर नहीं होता, उनमें ड्राई एयर क्लीनर होता है, ठीक है। जिस भी ट्रैक्टर में आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, या जिस भी व्हीकल में, केवल ट्रैक्टर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आमतौर पे ट्रैक्टर्स पे देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पे जिस किसी भी व्हीकल पे आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिल रही है, मतलब उसके अंदर एयर क्लीनर कौन सा लगा हुआ है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर लगा हुआ है। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो कभी आपने इसे खोल के देखा होगा तो इसके अंदर एक पंखा सा लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे आपका ट्रैक्टर ऑन होगा, इंजन ऑन होगा, तो ये घूमना शुरू कर देता है,
ठीक है, इसके घूमना शुरू कर देने के कारण क्या होगा, ये नीचे वाला हिस्सा होगा वहां से हवा अंदर प्रवेश करेगी। अब वो घूम रहा है क्योंकि वो पंखा जो लगा है वो घूम रहा है, तो उसके घूमने के कारण कौन सा फोर्स लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, अब केंद्रीय बल लग गया, यानी कि एक तरीके से बवंडर बना दिया उसने, बवंडर समझते हो ना, बवंडर बना दिया, बीच में से उसे घुमा रहा है। तो बवंडर के कारण क्या हो जाएगा, हवा डायरेक्ट सीधी नहीं खींची जाएगी, हवा को भी यूं यूं करके अंदर की तरफ सक्शन किया जाएगा, जिसके कारण हवा में ऑलरेडी जो धूल के पार्टिकल्स होंगे वो 75% तक यहीं पर रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, हवा को अंदर ही नहीं लिया अभी तक, अंदर जो चीजें हवा को प्योर करने के लिए लगाई गई है उसकी तो बात ही नहीं करी हमने। ये जो मैकेनिज्म है केवल इतने मैकेनिज्म के कारण, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करके हवा को अंदर सक्शन किया जा रहा है, तो यहीं पे क्या हो गया, हवा से 75% डस्ट पार्टिकल की छटनी हो गई। अब उसके बाद में यहाँ से हवा अंदर प्रवेश करेगी इस वाले पार्ट में, और उसके बाद में अंदर क्या होता है वो बात करते हैं अपने आगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर एक वायर मैश एलिमेंट, वायर मैश एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, एक तारों की छलनी लगी रहेगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, और एक ऑयल रिजर्वर लगा रहेगा, रिजर्वर का मतलब जिसके अंदर हम स्टोर करके रख सके, यानी ऐसा पात्र लगा रहेगा जिसके अंदर ऑयल को स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। और वो दोनों की लोकेशन कहाँ होगी, बॉटम पार्ट पे होगी। अब आप ये मत समझना कि ये रिजर्वर लगा रहेगा तो वो ऊपर वाले पार्ट में होता है, ऊपर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाले पार्ट में केवल एक पंख टाइप स्ट्रक्चर लगी रहती है जो इसके अंदर सिलेंडर से के अंदर गोल गोल घूमती रहती है, जिसके कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो हवा को भी घुमा के अंदर की तरफ प्रवेश करवाता है, केवल उसका उतना काम रहता है, ठीक है। ये वाली पार्ट्स यहाँ नहीं पाए जाते, ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, जो एटमोस्फेरिक एयर जो होगी वो एयर फिल्टर के थ्रू, ठीक है, अंदर एंटर करती है, जो कि क्या होगा, सबसे ऊपर की तरफ होगा, जो स्विरलेक्शन, अब जो मैंने आपको ये बताया इस तरीके से अंदर प्रवेश करने वाला वो स्विरलेक्शन हो गया, वहां से क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में जो अशुद्धियां होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, उन्हें पहले से ही रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कोई स्पेशल इन्होंने चीज नहीं लगाई, ठीक है, हवा को रिमूव, सॉरी, आपको हवा को प्योर करने के लिए स्पेशल चीज नहीं लगाई, केवल इन्होंने एक चैम्बर बना दिया, तो उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, प्री एयर क्लीनर चैम्बर बोलते हैं। यानी अभी तक हमने ऑयल बाथ टाइप था, तेल तो यूज ही नहीं करा, लेकिन उससे पहले ही हमने एक और चैम्बर बना दिया जो क्या कर रहा है, हवा को प्योर कर रहा है, ठीक है, हवा को शुद्ध कर रहा है, उसे क्या बोल दिया हमने, प्री एयर क्लीनर चैम्बर बोल दिया। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो क्या बोला गया कि जो हवा होगी वो यहाँ से पास होकर के इस डक्ट की सहायता से नीचे की तरफ चली जाएगी, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो वहां पे ऑयल बाथ का रिजर्वर रहेगा, उससे टकराएगी, ठीक है, ऑयल बाथ के रिजर्वर से जैसे ही टकराएगी तो ऑब्वियस है हवा तो तेल से नहीं चिपक पाएगी, लेकिन हवा के अंदर जो भी धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो तेल से चिपक जाएंगे, वो तेल से चिपक जाएंगे, जैसे ही उस तेल से हवा टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या होगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी आगे की तरफ, ठीक है, जो उसका कॉमन पाथ रहेगा वहां, उसके आगे इस तरीके के पार्ट लगे रहेंगे, छलनी टाइप पार्ट लगे रहेंगे, जो क्या करेंगे उस हवा के अंदर अगर अब भी कोई अशुद्धियां बच गई तो उन अशुद्धियों को आपके क्या कर देंगे, प्योर कर देंगे। हवा बहुत ज्यादा प्रेशर से अंदर की तरफ खींची जाती है, तो हो सकता है कि यहाँ से हवा के साथ कुछ तेल की मात्रा भी ऊपर की तरफ चली जाए, तो उसको भी क्या कर देगा, ये छलनी जो होगा वो आगे नहीं जाने देगी, और आगे की तरफ क्या चली जाएगी, केवल शुद्ध हवा चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ स्मॉल इम्प्योरिटीज वगैरह होगी, चाप वगैरह होगी, वो स्टिक हो जाएगी ऑयल सर्फेस से, और बाद में हवा के द्वारा सेपरेट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में वही चीज है कि हवा जो होगी वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद में जो भी ये सारी चीजें होंगी वो हवा से सेपरेट कर दी जाएंगी, किसकी सहायता से, वो छलनी की सहायता से। अब ये मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा। अगर देखा जाए तो ये वाला बॉटम पार्ट रहता है, जो पार्ट आप देखते हो, आपने जो फर्स्ट इमेज में देखा वहां तक का केवल आपने इतना पार्ट देखा, उसमें हो क्या रहा था, ऊपर इसके अंदर जो फैन लगा वो गोल गोल घूमने की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ हवा प्रवेश की जाएगी, ठीक है। हवा जो प्रवेश करेगी वो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुकी है, थोड़ी सी प्योर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ मात्रा में धूल मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ से प्रवेश करके अंदर ट्यूब में भेजे जाएंगे, ट्यूब से ये हवा नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे ऑयल रिजर्वर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, हवा सीधी, अब ऑब्वियस है नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाकर के किससे टकराएगी, आपके ऑयल रिजर्वर से टकराएगी जिसके अंदर ऑयल उपलब्ध रहेगा। ऑयल से टकराने के कारण हवा उससे नहीं चिपकती, हवा क्या है यार, हवा तो कुछ भी नहीं है ना, वो किसी से कैसे चिपक सकती है, हवा तो फ्रीली मूवमेंट करती रहती है, तो हवा तेल से चिपक नहीं पाएगी, लेकिन हवा के साथ में जो धूल मिट्टी के कण होंगे वो तेल से चिपक के वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से टकरा के हवा ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे फिल्टर लगे रहेंगे, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया छलनी वलनी लगी रहती है, वो क्या करेंगे, उसके अंदर अगर कोई धूल मिट्टी के कण अभी भी अगर रह जाते हैं तो उनको फिल्टर करने का काम करेंगे। यहाँ से अगर हवा अपने साथ कुछ मात्रा में तेल की बूंदों को ऊपर की तरफ अगर उछाल देती है तो उन तेल की बूंदों को भी आगे नहीं जाने देंगे, और यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, अंदर की तरफ
क्लीन हवा भेज दी जाएगी जो फाइनली हमारे इंजन के सिलेंडर को दे दी जाएगी। ठीक है, तो यही सारी बातें इससे ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दी गई। जो आपने प्रीवियस इमेज में ये वाला पार्ट देखा, ये वाला पार्ट आकर के कहाँ फिटेड रहता है, इसके ऊपर फिटेड रहता है। ठीक है, इसके नीचे ये आप देख रहे हो, ये आपका ऑयल रिजर्वर है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर के, और ये आपका क्या रह जाएगा, शुद्ध हवा यहाँ से निकलेगी। बात समझ में आई? होपफुली आप समझ चुके होंगे कि ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर क्या होता है और वह कैसे काम करता है। एक बार इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई वो भी देख लेते हैं। बोला गया, शुरू से देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि वो वायर मैश वाली सारी बातें मैंने आपको समझा दी, मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी यानी वायुमंडलीय हवा जो होगी वो एयर क्लीनर की सहायता से प्रवेश करती है, जो स्विवल एक्शन के कारण क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज को, कुछ अशुद्धियों को पहले से ही मुक्त कर दिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, प्री एयर क्लीनर चैम्बर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्री एयर क्लीनर चैम्बर कहते हैं। अब यहाँ से ये हवा जो होगी वो एयर डक्ट की सहायता से, ये वाली होती है जिसे कहते हैं एयर डक्ट, एयर डक्ट की सहायता से नीचे की तरफ भेज दी जाएगी जहां ऑयल बाथ रिजर्वर स्थित रहता है, और वहां वहां से हवा रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी फिर से ऊपर की तरफ। अब ये आप इस इमेज में समझ रहे हो कि क्या हुआ, ऊपर से हवा नीचे की तरफ भेजी जा रही, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दी। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, परावर्तन, परावर्तित कर देना, यानी ये एक मिरर है, मिरर में आप लाइट मार रहे हो तो लाइट मारने पे वो क्या होगा, फिर से वो दूसरी दिशा में फेंक देती है। तो ये जो इफेक्ट होता है ना टकरा के वापस मुड़ने का, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हवा टकराई, टकराने के बाद में इसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया गया। अभी इसी तरफ क्यों नहीं गई, इस तरफ क्यों गई, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी और नई हवा आ रही थी, तो प्रेशर था, एक प्रेशर होने के कारण उसको यही वाला रास्ता मिला, इसलिए इस वाले डायरेक्शन में वो चली गई। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया कि हवा फिर से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी ऑयल की सरफेस से टकराने के बाद में। अब ऑयल की सरफेस से टकराई है तो ऑब्वियस है उसमें जो भी धूल मिट्टी के कण होंगे वो तेल से चिपक गए। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ स्मॉल इम्प्योरिटीज जो बाकी बच गई डस्ट वगैरह की, ठीक है, वो क्या कर दी गई, बाद में जो फिल्टर थे उन फिल्टर की सहायता से छान दी गई। यही है कि फिर से हवा ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने से जो मैश थी उनसे फिर से हवा टकराएगी और ज्यादा फर्दर क्लीन कर दी जाएगी। हाँ जी, तो आगे मैकेनिज्म देखते हैं अपने। तो मैकेनिज्म में क्या हो गया कि बाकी बची हुई जो इम्प्योरिटीज होंगी उन इम्प्योरिटीज को फिर से इस मैश के द्वारा सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ चली जाएगी, आपके फिर से किसके अंदर, ऑयल बाथ में चली जाएगी। ये जो ऑयल बाथ का बॉल वगैरह होता है या प्री क्लियर चैम्बर होता है, इनको क्लीन करना पड़ता है हमें पीरियडिकली। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा किसी ने कि आपके ऑयल को चेंज करना पड़ेगा, कि हाँ ऑयल को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में एक और चीज बोली गई कि चलो ठीक है ऑयल का लेवल तो हम समझ गए, लेकिन मेरा दिमाग में ये चीज आई कि यार मेरे को ना ये ऑयल बार बार चेंज करना पड़ रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर के एक बार गया और मैंने उसको पूरा ही भर दिया ऊपर तक, तो पूरा भरने से नुकसान क्या हो जाएगा, वो चीज देखते हैं। कि अगर हमने ऑयल का लेवल क्या कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया आधे इंच के आसपास ऑयल का लेवल उसमें रखते हैं जो कि सफिशियंट माना जाता है। उसके बाद में अगर देखें, जो कि आपके अलग अलग मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर में वेरी करेगा, हो सकता है महिंद्रा वाले दूसरे टाइप का मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हो और आपके फोर्ड वाले दूसरे टाइप का दे रहे हो, एस्कॉर्ट वाले दूसरे टाइप का दे रहे हो, किसी दूसरी कंपनी वाले किसी अलग प्रकार का मैकेनिज्म रखते हो, जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। उसके बाद में बात करते हैं लेवल ऑफ ऑयल के बारे में, कि अगर मैंने लेवल ऑफ ऑयल, ठीक है, मेंटेन रखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, उससे ज्यादा ऑयल उसमें डाल दिया, आपके ऑयल रिजर्वर जो था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, तेल की मात्रा को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हवा का रास्ता होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि तेल अगर ऑयल कहीं पे होगा तो उसको हवा पार नहीं कर सकती। हमने ल्यूब्रिकेशन ऑयल में क्या पढ़ा था, ल्यूब्रिकेशन ऑयल में ये पढ़ा था कि अगर बाय चांस पिस्टन रिंग रिंग में थोड़ा सा गैप अगर आ रहा है तो उस गैप को ल्यूब्रिकेशन ऑयल क्या कर लेगा, फिल कर देता है, फिल करके क्या कर देगा, वो लीकेज को प्रिवेंट कर देगा। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज होगी ना, आपने पूरा ऊपर तक भर दिया, अगर नेक्स्ट इमेज में बात करें तो आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ तक भर दिया ऑयल रिजर्वर को, अब हवा को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, यहाँ से तो बंद है ये ऑलरेडी, उसको आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो आपके इंजन को हवा नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर भी मान लो कि आपने क्या कर दिया, इसे यहाँ तक नहीं भरा और इसका लेवल आपने यहाँ तक कर दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हवा अपने साथ कुछ मात्रा में ऑयल को आगे लेकर के जाए। अगर हवा अपने साथ ऑयल को आगे लेकर के जाएगी तो उससे भी आपके इंजन सिलेंडर को नुकसान रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और हवा अगर नहीं पहुंचेगी तो आपके क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सारी चीजों से आप भली भांति परिचित हो, क्योंकि डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो उनके मैकेनिज्म को काम करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, तो होपफुली आप समझ चुके हो कि क्या होता है ऑयल बाथ फिल्टर और किस तरीके से वो हवा को फिल्टर करता है और किस तरीके से वो शुद्ध हवा को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में सेकंड और फाइनल टाइप की बात करते हैं एयर फिल्टर की, जो कैसा रहेगा, ड्राई एयर क्लीनर। ड्राई एयर क्लीनर के बारे में बात करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई तेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल मैकेनिज्म होगा इसका। एक इस तरीके की क्या बना रखी होगी इन्होंने, स्ट्रक्चर बना रखी होगी जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला फिट होता है, इसको बोलते हैं ड्राई क्लीनर।
ठीक है, ये वाला पार्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट होगा, फिट होने के बाद में सक्शन प्रेशर की वजह से हवा को बाहर से खींचेगा। आप इसमें दो पोर्ट देख रहे हो, एक पोर्ट ये एक पोर्ट ये, एक पोर्ट से बाहर से हवा को खींचेगा, बाहर से हवा को खींचेगा तो हवा अंदर आएगी, तो अंदर आने के कारण वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट से पंप मूवमेंट करेगा। पंप के मूवमेंट करने से क्या होगा कि कुछ मात्रा में हवा तो अपकेंद्रीय बल के कारण, वो गोल घूम रहा है उसी चीज के कारण, कुछ मात्रा में जो इम्प्योरिटीज होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनको रिमूव कर दिए जाएंगे हवा से। बाकी बचे हुए जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो ये वाला जो फिल्टर होगा, उस फिल्टर के अंदर क्या रहता है, आप यू मान लो फिल्टर एलिमेंट रहेगा, कागज का पेपर फिल्टर रहता है इसके अंदर, जो पेपर फिल्टर क्या करेगा, चिपचिपा टाइप का होता है, वो उस चीज को क्या कर लेगा, अपनी सतह पे चिपका लेगा, और चिपका लेने के बाद में जो शुद्ध हवा होगी, शुद्ध हवा को दूसरे पोर्ट से आगे की तरफ सप्लाई कर देगा। तो यही सारी बातें थी, इनको करवाने से पहले मैं आपको जस्ट इसके एक वीडियो दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ड्राई एयर क्लीनर का कंसेप्ट क्या होता है। हाँ जी, अब देखिए इस वीडियो में, ये आपके सामने ट्रैक्टर का मैकेनिज्म हो गया सारा का सारा। आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्ट होगा वो सारा पार्ट क्या हो गया, इंजन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, फ्लाई व्हील वाला पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है वो आपका क्या है, एयर फिल्टर के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये एक मैनिफोल्ड है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, पाइप भी बोल सकते हो, एक और नाम होता है इसके लिए होज, आप इन्हें होज भी बोल सकते हो। इनकी सहायता से शुद्ध हवा को कहाँ भेजा जाएगा, इंजन में भेजा जाएगा, बाहर से हवा को अंदर लिया जाएगा, ये फिल्टर होगा, इस फिल्टर की सहायता से हवा को शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध हवा को अंदर भेजा जाएगा, कहाँ पे, इंजन के पास। अब देखना कि ये जो स्ट्रक्चर होगी, उस स्ट्रक्चर के अंदर ड्राई एयर फिल्टर कैसे रहता है और किस तरीके से काम करता है। आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जितना आपने अब तक पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो रही है आपकी। यहाँ पे आप कई सारी चीजों को देख लो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा वीडियो लगा मुझे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, कैम शाफ्ट है। ये जो इन कैम के ऊपर लगे हुए पार्ट है उनको बोल दिया कैम, और ये आपकी बॉल्स होगी, ठीक है, इनलेट और आउटलेट बॉल, ये आपका पिस्टन हो गया। अब यहाँ पे सिलेंडर को पारदर्शी कर दिया गया, सिलेंडर को शो नहीं किया गया इस वाली इमेज में, इसके ऊपर यहाँ से हवा और उनको अंदर भेजा जाएगा, और यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है। देखो ये फायरिंग ऑर्डर भी आप समझ सकते हो कि एक पिस्टन जो होगा वो कोई से स्ट्रोक में होगा, दूसरा पिस्टन होगा वो कोई से स्ट्रोक में होगा। उसके अलावा ये नीचे आप कनेक्टिंग रोड देख सकते हो, कनेक्टिंग रोड के साथ में आप क्रैंकशाफ्ट देख सकते हो, क्रैंकशाफ्ट के बाद में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट का एक गियर देख सकते हो, इस गियर के डबल साइज का आप गियर देख सकते हो, जो कि फर्दर किसको चलाने के काम कर रहा है, कैम को चलाने के काम कर रहा है। ये जो आर्म्स है उन आर्म्स को अपने रोकर आर्म्स बोलते हैं, कैम को ड्राइव करने का काम करेगा। कैम की स्पीड बिल्कुल आधी रहेगी किसकी स्पीड के, आपके क्रैंकशाफ्ट की स्पीड के। कारण क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गियर था उसके डबल साइज का गियर हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी ये दो चक्कर पूरे करेगा तो ये एक ही चक्कर पूरे करेगा। इस बात को होपफुली आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ लिया। ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको पता लग गया कि 1:2 का मतलब क्या हो गया, कि अगर 1:2 का गियर होगा तो एक वाला जो गियर होगा वो एक चक्कर पूरा करेगा, तो यहाँ पे ये दो चक्कर पूरे कर चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, फिल्टर देखना है। इसके अंदर बात करते हैं तो ये जो बाहर की जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ये फिल्टर लगा हुआ है, केवल अंदर वाला ये फिल्टर है। इसके अंदर भी क्या रहेंगे, फिंस लगे रहते हैं। फिंस होपफुली आप समझते हो, आपने कल एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर पढ़ लिया कि फिंस क्या होते हैं, थोड़ी सी ऊपरी स्ट्रक्चर होती है उनको फिंस बोलते हैं, या फिर आप उनको एक तरीके से पंखे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये या एक तरीके से ताड़ियां बोल लो यार एक बार के लिए, तो कूलर की जो ताड़ियां रहती है आगे वाली, उन ताड़ियों को मैं पंखे बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर भी लगे रहेंगे, बाहर से हवा को खींची जाएगी। जब ये हवा अंदर प्रवेश करेगी, डायरेक्ट यहाँ नहीं चली जाएगी, होगा क्या, ये हवा इसके साथ साथ घूमना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी बीच में कोई एक प्रभाव होगा जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दे। तो ये हवा जब इस तरीके से घूमेगी, तो घूमने के कारण यहाँ पे आपको एक और पार्ट दिखाई दे रहा होगा, उस पार्ट की सहायता से जो डस्ट होगा उस डस्ट को बाहर भेज दिया जाएगा, जिसे डस्ट बैग बोलते हैं। उसको आप साफ भी कर सकते हो टाइम टाइम पे, जैसे वॉशिंग मशीन में नहीं होता है जो एक थैली सी लगी रहती है कपड़े की, वो क्या करेगी, वो डस्ट को स्टोर कर लेती है। बस उसी तरीके की यहाँ पे एक पार्ट लगा रहता है जिसको बोलते हैं डस्ट बैग। यहाँ से धूल मिट्टी के जो कण होंगे उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। अब केंद्रीय बल के कारण कुछ मात्रा में आपकी हवा प्योर हो जाएगी, और बाकी बची हुई हवा में पेपर फिल्टर होने के कारण उनसे चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद में हवा आपकी प्योर करके सिलेंडर को, आपके इंजन को भेज दी जाएगी। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे हो कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करके यहाँ पे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स को अपने पास ही रोक रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा। ये फिंस है, जो लगे हुए फिंस है,
इसको इस तरीके के होल से अपने एयर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिल्टर चेंज ही करना होता है हमें, ऐसा नहीं करेंगे कि फिल्टर इसी को खोल के साफ वाफ कर दिया। हाँ, पता क्या करते हैं लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि जैसे दो कंजुगेटिव सर्विसेज होती है, तो पहली सर्विस के टाइम पे नया फिल्टर डलवा दिया और दूसरे फिल्टर में प्रेशर से उस फिल्टर को साफ करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि चलो थोड़े टाइम इस फिल्टर को और यूज कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर बार फिल्टर को साफ किया, साफ करने के बाद में यूज कर लिया, नहीं, आपको दो सर्विस के बाद में तो कम से कम फिल्टर चेंज करवाना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो भी डिपेंड करता है कौन से एरिया में चल रहे हो, दो सर्विस के बाद में तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस आपके एरिया में धूल मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आपको हर सर्विस के अंदर फिल्टर चेंज करवाना चाहिए। जो ड्राई फिल्टर पूरा चेंज होता है, ऐसा नहीं होगा पूरा पार्ट चेंज, वो पूरा का पूरा कंपोनेंट चेंज होगा, बस इसके अंदर जो फिल्टर वाला पार्ट आपको इमेज में वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, केवल इतना पार्ट चेंज होता है। ओके, जो आपने स्लाइड्स में इमेज में देखा था, अब चलते हैं अपने फिर से अपने स्लाइड्स पे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्राई एयर क्लीनर काम करता है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दीजिए चैट में। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई और वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि हवा जो होगी वो एटमोसफेयर से एंटर करती है आपके एयर क्लीनर में, वहां से जो प्लास्टिक के फिल्म्स होते हैं वो हाई रोटेशनल स्पीड पे, यानी फिर से वही इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देंगे, जिनके कारण क्या हो जाएगा, कास्टिंग के अंदर जो बाहर की बॉडी रहती है इसको कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, कास्टिंग के अंदर घूमना स्टार्ट कर देंगे, जहां से कुछ मात्रा में हवा को प्योर कर दिया जाएगा सर्कुलर मोशन के कारण, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दिया गया कि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण हवा से जो अशुद्धियां होगी उनको इम्प्योर कर दिया जाएगा, बाकी बची हुई जो डस्ट पार्टिकल्स होगा उनको क्या कर दिया जाएगा, पासेस पेपर एलिमेंट के द्वारा खुद के साथ चिपका के रोक लिया जाएगा, जिन्हें बाद में अपने क्या कर सकते हैं, जिनसे आपके हवा से अशुद्धियां रिमूव हो जाएगी और वो प्योर हवा आपके इंजन सिलेंडर को दे दी जाएगी। तो यहाँ आपका एयर क्लीनर वाला पार्ट खत्म होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि क्या होते हैं, ट्रैक्टर में इनका क्या यूज है, वो चीज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट में आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम आपके क्या होते हैं, लिफ्ट। अगर आपने देखा होगा तो ट्रैक्टर में पीछे की तरफ एक लिफ्ट लगी रहती है, अब लिफ्ट के नाम से पता लग रहा है लिफ्ट करना, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना, यानी उसका काम क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना। अब जो ऊपर जाती है वो नीचे भी तो आती है, तो इसके काम को केवल आप ऊपर रखना मत मानना, तीन चीजें आप मानना इसके अंदर, उठाना, रोक के रखना और नीचे करना। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, आपने कोई प्लाउ अपने ट्रैक्टर के साथ में जोड़ लिया, तो प्लाउ जोड़ने के बाद में आपको जब अपने घर से खेत पे जाना है, अपने घर से फील्ड पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हवा में रोक के रखना पड़ेगा, किस चीज को, प्लाउ को, तो वहां पे आपका हाइड्रोलिक काम करेगा उसे रोक के रखने का, ठीक है। तो ये तीन चीजें होगी इसमें कि ट्रैक्टर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म जो क्या करे, टू रेज, ऊपर उठाने का काम करे, रोक के रखने का काम करे या नीचे करने का काम करे। अब ये नीचे वाली चीज को भी समझना, जो नॉर्मल लिफ्ट की पोजीशन होती है, लिफ्ट उससे नीचे चली जाती है, वो नीचे क्यों चली जाती है कि आपको वो प्लाउ को खेत में काम में भी तो लेना है ना, तो खेत में काम में लेना है, सोइल के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है आपको कि आप उसका लेवल नीचे करो, ट्रैक्टर के लेवल से थोड़ा लेवल उसका डाउन करो। तो ये तीनों काम करता है कौन, आपके हाइड्रोलिक सिस्टम। अब ये किसके साथ करेगा, कोई भी माउंटेड इंप्लीमेंट्स होगा उनके साथ में करेगा, सेमी माउंटेड इंप्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स होगा उनके साथ में करेगा। माउंटेड और सेमी माउंटेड क्या होते हैं वो जब अपने इंप्लीमेंट्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन्स आप समझ चुके हो इस चीज को, सारे के सारे ट्रैक्टर जो होते हैं वो आजकल हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के साथ में आते हैं, जो थ्री पॉइंट हिच सिस्टम वाले ट्रैक्टर होते हैं। अब ये थ्री पॉइंट हिच सिस्टम वाले ट्रैक्टर कौन से होते हैं, पूरा तो देखो मैं आपको आगे लेक्चर में आगे बताऊंगा, ट्रैक्टर वाला लेक्चर करेंगे उस टाइम बताऊंगा आपको क्या होता है थ्री पॉइंट हिच, लेकिन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कोई भी इम्प्लीमेंट आपने डेफिनेटली ये चीजें देखी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी प्लाउ के बारे में बात कर लूँ अगर मैं, तो प्लाउ को ट्रैक्टर से तीन पॉइंट पे जोड़ा जाता है, दो आपके लिफ्ट वाले पॉइंट हो गए, एक ऊपर का पॉइंट रहता है, ठीक है। उन तीन पॉइंट से आप किसी भी इंप्लीमेंट को जोड़ते हो, इट में भी कल्टीवेटर, इट में भी हैरो, इट में भी प्लाउ और इट में भी डिस्क प्लाउ, कुछ भी हो, ठीक है, उन इंप्लीमेंट्स को आप जनरली तीन पॉइंट से जोड़ते हो। तो ये तीन पॉइंट से आप जिन भी चीजों को जोड़ते हो उनको क्या बोलते हैं, थ्री पॉइंट हिच ऑफ द ट्रैक्टर। ध्यान देना, जो आप ट्रॉली वगैरह जोड़ते हो वो इन तीन पॉइंट से नहीं जोड़ते, उसके लिए अलग से दिया रहता है पोर्ट इसके अंदर ट्रैक्टर में, ओके। तो जो भी थ्री हिच पॉइंट वाले ट्रैक्टर रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम रहता ही रहता है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम काम किस सिद्धांत पे करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल के नियम पे काम करता है, और पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम ये है कि अगर आप किसी इनक्लोज्ड, ठीक है,
अगर आप किसी द्रव्य को किसी बंद संरचना के अंदर अगर क्या करोगे, पुश करोगे, तो पुश करने के कारण वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से जाएगा। अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो इस चीज को बिल्कुल सिंपल में समझते हैं कि आपके पास में एक पानी की बोतल है और उस पानी की बोतल पे आप क्या कर रहे हो, आधा बोतल आपने पानी की भर ली और पानी की आधी बोतल भर के नीचे से दबाव दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा केवल कि वो ऊपर वाले इस वाले हिस्से में चली जाए, ठीक है, वो सारे के सारे इक्वल प्रोपोर्शन में जाने की कोशिश करेगी कि अगर आप इस पे कोई भी दबाव पैदा करोगे तो वो इक्वल अमाउंट में सारे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये पास्कल का नियम है, केवल इसी नियम पे क्या काम करता है, आपका हाइड्रोलिक का कंसेप्ट काम करता है, ओके। उसके अलावा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको कि आपके पास में क्या है, 1 लीटर पानी की बोतल है, ठीक है, मान लो आपके पास में 1 लीटर पानी की बोतल है और जो आपका आजकल नॉर्मल मार्केट में मिलती है जो 20-22 रुपए की जो भी नॉर्मल मार्केट है बिस्लरी वगैरह की पानी की बोतल मिलती है, तो आप एक चीज नोटिस करना कि उनकी बोतल की क्वालिटी बड़ी बेकार रहती है। जैसे ही आपने उस बोतल से पानी पी लिया और उसके बाद में वो बोतल खाली होगी तो आपको यूं लगेगा कि बहुत ज्यादा हल्की है और थोड़ा सा आपने इस पे वजन लगाया अगर तो वो बोतल खराब हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जब आपने उस 1 लीटर की बोतल में पूरा 1 लीटर पानी डाल रखा है तो आप उस पर कितना भी दबाव लगाओ वो फट सकती है, टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पिचकेगी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर फट गई तो बात अलग है, यानी कि पानी अगर उस बोतल से बाहर निकल गया वो एक अलग किस्सा है, ठीक है, अदरवाइज वो अपनी शेप को खराब नहीं करेगी, वो एक अलग चीज है क्योंकि वो है ही बहुत ज्यादा लाइट वेट मटेरियल से बनी हुई चीज, इसलिए हो सकता है आप लोग जबरदस्ती से उसे खराब कर दो मुझे गलत साबित करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी रखती है कि कोई भी लिक्विड होगा उसने 1 लीटर अगर आपने लिक्विड डाल दिया तो भाई साहब उसने 1 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया और अगर वो जगह 1 लीटर की है तो अब उसके अंदर दूसरी कोई चीज को आप नहीं कर सकते, जो हवा को अपने कंप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम को अपने कंप्रेस नहीं कर सकते किसी लिक्विड की, ये चीज ध्यान में रखना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज क्या है कि आपने इंजन में हवा को कंप्रेस किया था, जो 22 भाग में जो हवा आ रही थी उसको आपने 1 भाग में कंप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, लेकिन आप किसी लिक्विड की वॉल्यूम को कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर वो 1 लीटर जगह के अंदर है तो वो 1 लीटर जगह के अंदर ही रहेगी, ये इसका कंसेप्ट है, यही पास्कल का नियम है और यही सारी चीजों के बेस पे आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। बात करते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, तो एक हाइड्रोलिक पंप रहता है, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर और पिस्टन रहता है, हाइड्रोलिक टैंक रहता है, कंट्रोल वाल्व्स रहते हैं, सेफ्टी वाल्व्स रहते हैं, होस पाइप और फिटिंग्स रहते हैं और लिफ्टिंग आर्म्स रहते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर रहती है, आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में रहती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी अपने नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको उतना ज्यादा डिटेल में इसे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए केवल ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू क्या होता है कि आप अपने ट्रैक्टर से क्या करते हो, एक हाइड्रोलिक टैंक रहता है, एक हाइड्रोलिक टैंक रहता है ट्रैक्टर में, अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो जो सीट होती है सीट के नीचे की तरफ हाइड्रोलिक टैंक रहता है जिसके अंदर क्या चीज रहती है, हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ भी ऑयल रहता है, इसका भी अगर लेवल कम हो गया तो आपको ये वाला ऑयल भी रिप्लेस करना पड़ता है। ये यहाँ पे ऑयल रहेगा, उस ऑयल को पिस्टन की सहायता से, अब इसके लिए अलग ही पिस्टन होगा, जो इंजन वाला पिस्टन है वो यहाँ काम नहीं करता, हाइड्रोलिक का पंप और सिलेंडर और पिस्टन अलग ही रहेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिक पंप आपके हाइड्रोलिक टैंक रह गया, उस टैंक के अंदर ऑयल है, यहाँ से आपके पाइप्स वगैरह दे दी गई जो एक सिलेंडर के अंदर जाएंगे, उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा रहेगा, ये पंप ये ऑयल यहाँ पे जाएगा तो वो उस पिस्टन को आगे की तरफ जाने पे फोर्स करेगा, पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी लिफ्ट अप और डाउन हो जाएगी। सिमिलर अगर आप ये चीज समझ पा रही हो, ट्रॉली के अंदर बात करें जो आपने देखा होगा जिसको आप क्या बोलते हो, डंपर बोलते हो शायद, या फिर लोकली आप उनको बंपर भी बोलते हो मेरे ख्याल से, लेकिन होता डंपर है, तो उन ट्रॉलीज के बारे में बात की जाएगी। आमतौर पे देख लेना आपको यहीं के भट्टे वगैरह वाले हो तो वो ट्रॉली में लोडिंग करके लाते हैं, तो ट्रॉली को खाली करते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऊपर उठा देते हैं, तो वो ऊपर उठा देते हैं तो उस टाइम देखना कि इस ट्रॉली के नीचे वाली साइड के अंदर एक पंप लगा रहता है, वो पंप एक्चुअली में पंप नहीं होता, वो क्या हो गया आपका पिस्टन वगैरह ही हो गया, ठीक है, मतलब वो तो पंप ही है लेकिन वो पंप किस चीज के बेस पे काम कर रहा है, एक पिस्टन के बेस पे काम कर रहा है। पीछे से ट्रैक्टर क्या करेगा, ट्रैक्टर अपने पिस्टन से पुश करेगा किस चीज को, हाइड्रोलिक ऑयल को आगे जाने के लिए। हाइड्रोलिक ऑयल जब आगे जाएगा तो वो ऑयल आगे जाकर के पिस्टन को आगे की तरफ जाने पे मजबूर करेगा और पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो वो आगे प्रेशर डेवलप करेगा हाइड्रोलिक पंप को मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है जिनके बेस पे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, बस बेसिक इसका इंट्रोडक्शन आपके लिए सफिशियंट है। कुछ और चीजें वही जो मैंने बताई यहीं पे बोल दी गई कि हाइड्रोलिक पंप जो होगा वो आपके क्या करेगा, ऑयल रिजर्वर से ऑयल को लेगा और इसे कहाँ पे भेज देगा, कंट्रोल यूनिट वाल्व के पास भेज देगा हाई प्रेशर पे, ठीक है। अब वहां से हाई प्रेशर से कंट्रोल वाल्व से आपके कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर में चला जाएगा और हाइड्रोलिक सिलेंडर से पिस्टन को ऑपरेट करेगा,
पिस्टन को टर्न करेगा और आपकी आर्म्स को रेज करने का काम करेगा, यानी लिफ्ट को ऊपर उठाने का काम करेगा। अगर इसने पिस्टन के प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया, पिस्टन थोड़ा पीछे आ गया, तो लिफ्ट आपकी ऊपरी नीचे आ गई। आपके पास में ट्रैक्टर में एक लीवर का ऑप्शन रहता है, जिस लीवर से आप निर्धारित कर सकते हो कि आपको पिस्टन को कितना पुश करना है। एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप लिफ्ट को नहीं उठा सकते, एक सर्टेन लिमिट से आप लिफ्ट को नीचे नहीं कर सकते। तो ये इम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या लिफ्टों के साथ अटैच रहता है, ठीक है। जो ये आर्म्स होती है वो आर्म्स, पिस्टन की आर्म्स जो होती है वो लिफ्ट के साथ अटैच रहती है। पिस्टन को पुश कर दिया जाएगा तो लिफ्ट आपके ऊपर उठ जाएगी, आर्म्स आपके ऊपर उठ जाएगी। पिस्टन से प्रेशर रिलीज कर दिया जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो सिंपल मैकेनिज्म, आपको इसे सिंपल में समझ लें। एक और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सेफ्टी वाल्व क्या चीज होती है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोलिक टैंक हो गया, इसके अंदर ऑयल है। उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ से वॉल्व होगी, यहाँ पे एक पंप हो गया जो क्या काम करेगा, हाइड्रोलिक ऑयल को आगे प्रेशर से पंप करने का काम करेगा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया, सेफ्टी वॉल्व लगा दी गई। सेफ्टी वॉल्व आगे की तरफ जाकर के किसके साथ जुड़ी होगी, डायरेक्टली आपके सिलेंडर के साथ जुड़ी होगी। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा, जो पिस्टन यहाँ पे ऑयल भर दिया जाएगा तो पिस्टन से पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये रहती है कि बाय चांस कभी कभी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो उस लोड की कंडीशन में पिस्टन पीछे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देगा। आपने हाइड्रोलिक प्रेशर लगा रखा है, सारी चीजें ओके, लेकिन उसके बावजूद भी लोड बहुत ज्यादा है और ये पिस्टन जो है वो लोड को सहन नहीं कर पा रहा और पीछे की तरफ पुश करेगा। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल डायरेक्ट आपके पंप में पहुंच गया और उल्टी पंप के अंदर आपके प्रेशर से आपका हाइड्रोलिक ऑयल पहुंचा तो हो सकता है आपका पंप खराब हो जाए। इसके लिए हम सेफ्टी वॉल्व का यूज करते हैं। यहाँ क्या होगा कि बाय चांस अगर यहाँ आपका क्या पहुंच गया, हाइड्रोलिक ऑयल बैक फ्लो मार गया, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये उस ऑयल को यहाँ नहीं जाने देगा, एक बाईपास रास्ता होगा। उस बाईपास रास्ते की सहायता से अगर मान लो, जैसे इसकी लिमिट जनरली रहती है 200 बार के आसपास, ठीक है, बार प्रेशर की यूनिट रहती है, कि अगर वो उतना प्रेशर हल्का फुल्का आएगा तो चलेगा, हल्के फुल्के में ये नहीं रोकेगा, लेकिन बाय चांस अगर 200 बार से अधिक प्रेशर से आपका ऑयल पीछे की तरफ बैक करेगा, बैक मूवमेंट करेगा, तो ये सेफ्टी वॉल्व क्या करेगी, ये वाला रास्ता बंद कर देगी और बाईपास एंट्री से फिर से उस ऑयल को कहाँ भेज देगी, आपके इसमें भेज देगी, इसके अंदर हाइड्रोलिक टैंक में, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक लगा रहता है मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म की सहायता से यहाँ जो ऑयल होता है उसे बाईपास एंट्री करवा करके आपके वापस से किसमें भेज दिया जाएगा, जब आपके प्रेशर को रिलीज कर दिया जाएगा तो वापस से आपके हाइड्रोलिक टैंक में भेज दिया जाता है उस ऑयल को, और जरूरत पड़ने पर अपने पंप की सहायता से इस तरीके से उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा इसमें आपको उलझना नहीं है, बस सिंपल चीज है कि एक पंप, एक टैंक होगा, उसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल होगा, ऑयल को वहां से भेज दिया जाएगा पंप की सहायता से, कहाँ, सेफ्टी वॉल्व की सहायता से आगे आपके आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर में। सिलेंडर आगे पिस्टन को मूवमेंट करेगा, पिस्टन के मूवमेंट होने के कारण क्या होगा, आर्म्स जो होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, आर्म्स ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो उनके साथ में लिफ्ट अटैच होगी, लिफ्ट ऊपर की तरफ उठ जाएगी। लिफ्ट जब हम पिस्टन को रिलीज कर देंगे, यानी प्रेशर को रिलीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ आने से आर्म्स नीचे हो जाएंगे, उनके साथ में जो लिफ्ट अटैच हो रखी है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी। बस इतना सिंपल कंसेप्ट आपको देखना है, बहुत ज्यादा इसमें उलझना नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बहुत परेशान करेगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं फाइनली पावर टेक ऑफ के बारे में, कि क्या होता है पीटीओ। अब वैसे तो अपने कल के लेक्चर में पीटीओ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को इस चीज का नॉलेज हो चुका है कि होता क्या सिस्टम है, कि शुरू शुरू में आपका वो क्रैंकशाफ्ट होगी, क्रैंकशाफ्ट के बाद में फ्लाई व्हील हो गया, उसके बाद में आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होगी, उसके बाद में आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, और ट्रांसमिशन सिस्टम से जो एक्सल निकल के आता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया गया, डिफरेंशियल यूनिट लगा दिया गया, लेफ्ट और राइट साइड की आपकी ये होगी जो फाइनली व्हील्स के साथ में अटैच होती है। पीछे की तरफ भी एक पार्ट निकला हुआ था, जिस पार्ट को क्या बोलते हैं, पीटीओ बोलते हैं, पावर टेक ऑफ बोलते हैं, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा ट्रैक्टर की पावर को डिलीवर करने का, किस चीज को, उसके पीछे आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंप्लीमेंट लगा रखा है, ट्रैक्टर के साथ में कोई भी इंप्लीमेंट माउंट कर रखा है आपने, उसको पावर डिलीवर करने का काम रहेगा पीटीओ का। पीटीओ के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं देखेंगे, जब रोटावेटर पढ़ाऊंगा उस टाइम, और जब थ्रेसर पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको पीटीओ को एकदम क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं, बाकी उतनी मुश्किल चीजें नहीं है ये सारी, क्योंकि आप सारे एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हो, मुश्किल से 5% स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चरल फैमिली से नहीं होंगे, इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि पीटीओ क्या होता है, लेकिन उनके लिए अपने आने वाले लेक्चर्स में समस्या सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होगा, किस तरीके से ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है, होपफुली आप समझ चुके हो इस चीज को, कल के लेक्चर में ये चीज कवर करवा चुका हूँ। इसके अंदर एक शाफ्ट रहती है, ऑब्वियस है, जो पीटीओ की जो रहती है उसको पीटीओ शाफ्ट ही बोलते हैं, बाहर जो सिरा दिखाई देता है।
एक शील्ड रखती है। शील्ड क्या चीज होती है? जो पीटीओ को कवर करके रखती है उस चीज को बोलते हैं पीटीओ शील्ड, जो कि सेफ्टी पर्पज से होती है, बस और कोई रीजन नहीं है, गलती से कोई ऑन कर दे उसके लिए। और एक कवर वगैरह रहता है, कवर कोई शील्ड मान लो। ये जो शाफ्ट होगी वो बाहर की तरफ रहती है और इसका काम क्या होगा, टॉर्सिनल पावर को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। टॉर्सिनल पावर क्या होती है, यहां से आप वर्ड निकालना चाहो तो आप वर्ड निकाल सकते हो टॉर्क को। टॉर्क क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो ये टॉर्क ही हो गया ना, पीटीओ गोल घूम रहा है, पीटीओ भी क्या काम करेगा आगे, रोटावेटर की ब्लेड्स को गोल घुमाने का काम करेगा, थ्रेसर के जो पहिए होंगे, जो चक्के होंगे उनको गोल घुमाने का काम करेगा, चाफ कटर के जो चक्के होंगे उनको गोल घुमाने का काम करेगा, यानी कि रोटेटरी मोशन का ही काम करेगा। और किसी भी चीज को अगर रोटेटरी मोशन देनी है तो गोल घुमाने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा उसी बल को तो टॉर्क कहते हैं ना भैया जी, ठीक है। तो ये टॉर्क देने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे वो वर्ड यूज कर लिया गया, टॉर्सिनल पावर देने का काम करेगा किसी दूसरी मशीन को। इसके ऊपर कवर लगा रहता है जिसको पावर टेक ऑफ शील्ड बोलते हैं, मैं दिखा दूंगा अगली इमेज में आपको। ये एक स्टैंडर्ड दिया गया है ASAE के द्वारा कि पीटीओ की स्पीड जो होनी चाहिए वो 540 प्लस माइनस 10 आरपीएम होनी चाहिए। यानी आप समझते हो कि आरपीएम क्या होता है, आरपीएम का मतलब हो गया कि एक मिनट में कितनी बार गोल घूम जाए। तो पीटीओ की स्पीड के लिए जो लिमिट लगाई गई है वो लिमिट कितनी है कि एक मिनट में 540 प्लस माइनस 10 यानी 530 हो सकता है, 550 हो सकता है। ये नहीं कि आप 600 आरपीएम घुमा रहे हो, 1000 आरपीएम घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट की गई है ASAE के द्वारा इस चीज के लिए, पीटीओ के रोटेशन करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है कि 1000 आरपीएम तक रोटेट करने वाले जो आपके पीटीओ है उनका भी यूज किया जा रहा है, उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना दी गई है, ठीक है। तो पहले केवल 540 प्लस माइनस 10 आरपीएम की पीटीओ स्पीड डिसाइड की गई थी, आजकल 1000 आरपीएम के पीटीओ ड्राइव मशीन के लिए भी स्टैंडर्ड बना दिए गए। अब वही चीज है कि जैसे व्हीकल्स की बात करें तो पहले कार्स के अंदर एयरबैग्स वगैरह नहीं आते थे, ABS वगैरह नहीं आते थे। आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आजकल गवर्नमेंट ने कुछ चीजें वो चीजें मैंडेटरी कर दी कि आप छोटी से छोटी गाड़ी दोगे तो भी आपको ये चीजें देनी ही पड़ेंगी। उसी तरीके से यहाँ भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानने पड़ते हैं कंपनीज को जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको, ठीक है। आगे बात करते हैं पीटीओ के बारे में, तो ये कुछ इस वाला पार्ट आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं पीटीओ। यहाँ पे एक कवर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो कवर होगा उस कवर को बोलते हैं पीटीओ शील्ड। ये वाला पार्ट होगा यहाँ से आप ट्रॉली वगैरह को अटैच करते हो, हुक बोलते हैं इसको। ये पार्ट होगा इसको बोलते हैं पीटीओ ड्राइव। किया क्या जाएगा, पीटीओ ड्राइव का एक सिरा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा और दूसरा सिरा किसी इंप्लीमेंट में इंसर्ट कर दिया जाएगा, ओके। और ये गोल घूमेगा, रोटेटरी मोशन करेगा, इसके साथ में पीटीओ ड्राइव भी रोटेटरी मोशन करेगा। और पीटीओ ड्राइव के रोटेटरी मोशन करने से जो भी इंप्लीमेंट्स आपने साथ में जोड़ा है वो भी रोटेटरी मोशन करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको एक रोटावेटर की इमेज दिखा दी गई है। रोटावेटर की इमेज के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पीटीओ के ट्रैक्टर के पीटीओ में पीटीओ आपके किसको डाल दिया गया, इसको डाल दिया गया ड्राइव, पीटीओ ड्राइव को डाल दिया गया। पीटीओ ड्राइव क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा रोटावेटर के पीटीओ शील्ड को, पीटीओ शाफ्ट को, इससे आपके ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर का पीटीओ रोटेट करेगा तो उसके साथ में पीटीओ ड्राइव भी रोटेट करेगा और आपका रोटावेटर भी रोटेट करेगा। ये जो पार्ट होगा ये फर्दर आपके नीचे रोटावेटर की ब्लेड से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ चेन या गियर्स की सहायता से। और जैसे जैसे ये गोल घूमेगा वैसे वैसे जो रोटावेटर की ब्लेड्स होंगी जो कि इस बॉडी के अंदर की तरफ रहती है, जब आपको रोटावेटर पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा अच्छे से, वहां पे आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे। तो जैसे जैसे आपका पीटीओ मूवमेंट करेगा वैसे वैसे ट्रैक्टर के रोटावेटर के अंदर जो ब्लेड्स लगी रहेंगी वो ब्लेड्स भी रोटेट करेंगी और अपना काम करेंगी। कौन सा काम, रोटावेटर काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेस को एक साथ करने का, ठीक है। अब होते क्या चीजें हैं प्राइमरी टिलेस सेकेंडरी टिलेस, वो तो अपने सारी बातें बाद में ही करेंगे। फिलहाल के लिए मेन मुद्दे की बात है, क्या आपको पीटीओ समझ में आया है या नहीं आया, उसका मुझे फटाफट से आप जवाब दे दीजिए, पीटीओ आपको समझ में आया है कि नहीं आया। उसके बाद में बात करते हैं अपने फाइनल टॉपिक के बारे में, बेल्ट पुली के बारे में। अब ये बेल्ट पुली क्या चीज होती है, इसको जनरली बेल्ट ना बोल के अपने नॉर्मल लैंग्वेज में या आमतौर की भाषा में पुली बोल देते हैं। अब ये पुली क्या चीज होती है, कुछ भी नहीं, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर रहती है, केवल इतनी स्ट्रक्चर है उसको पुली बोलते हैं, बेल्ट पुली बोलते हैं। काम क्या होगा इसका, पीटीओ और इसके अंदर एक डिफरेंस हो जाएगा। जैसे पीटीओ को यूज करने के लिए हमें पीटीओ ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या जिस भी इंप्लीमेंट के अंदर पीटीओ के जैसा का जैसा अगर सिमिलर स्ट्रक्चर दे रखी होगी तो वहां वो तो अपने पीटीओ ड्राइव की सहायता से काम में ले लेंगे। लेकिन कुछ एक की बात करें, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ चाफ कटर के बारे में, यानी चारा काटने वाली मशीन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो चारा काटने वाली मशीन के अंदर तो वैसा वैसा कोई पीटीओ का गियर वगैरह नहीं दिया रहता, तो वहां पे हमें क्या पड़ेगा, वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी फैन बेल्ट की। फैन बेल्ट समझते हो ना, जो पट्टा चढ़ाते हैं उस पट्टे को बोलते हैं फैन बेल्ट।
तो उसके लिए मुझे हो सकता है या तो हाथ से करना पड़ेगा, या फिर आपने जो पहला पहला लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि फैन बेल्ट चढ़ा के अपने क्या कर सकते हैं, इसको किसी मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या कर लूँ, कि मैं अब मेरे पास इतने पैसे तो थे कि मैंने क्या कर दिया, घर में आटा चक्की भी लगा ली, मैंने घर में चाफ कटिंग मशीन भी लगा ली, और मैंने क्या कर दिया ट्यूबवेल भी लगा ली, और मैंने क्या कर दिया खेत भी है मेरे पास, इतना पैसा मेरे पास था। लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आटा चक्की पर भी अलग से इंजन रखूं, मैं चाफ कटिंग मशीन पे अलग से इंजन रखूं, या फिर मैं आपके क्या करूं ट्यूबवेल पे अलग से इंजन रखूं, या फिर मैं खेतों के लिए ट्रैक्टर लूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कर लिया कि भाई साहब चलो बाढ़ में जाए सारी चीजें, मैं तो एक ट्रैक्टर ले लेता हूँ, ऑल पर्पज ट्रैक्टर ले लेता हूँ। अब मेरे वर्ड्स पे जाना, मैं बोल रहा हूँ ऑल पर्पज ट्रैक्टर, वो अलग बात है कि आपको इसके डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि स्पेसिफिक पर्पज का ट्रैक्टर और ऑल पर्पज ट्रैक्टर क्या होता है, क्योंकि आप जब से पैदा हुए हो आपने ऑल पर्पज ट्रैक्टर ही देखा है, कोई नहीं लेता। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा ट्रैक्टर लेगा जो केवल प्लोइंग का काम करता हो। आजकल लोग ऐसा ट्रैक्टर लेना पसंद करते हैं जो सारे ही काम करते हैं, तो जनरली अपने मार्केट में ऑल पर्पज ट्रैक्टर ही देखने को मिलते हैं। तो ऑल पर्पज ट्रैक्टर ले लिया, उस ट्रैक्टर से क्या हुआ, खेतों में काम में ले लिया, जुताई के काम में ले लिया, और अब उसके बाद में जब मैं ट्यूबवेल पे गया तो ट्यूबवेल पे बोलती कि भाई साहब इस पे तो पट्टा चढ़ेगा। अब बोलता है मैं पट्टा कहाँ पे चढ़ाऊँ, फिर मैंने कहा ठीक है मैं बेल्ट पुली बना लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैं इमेज दिखाता हूँ, इस तरीके की बेल्ट पुली रहती है, इसको मार्केट से परचेज कर लिया, ये बेल्ट पुली का ये वाला हिस्सा अटैच हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रैक्टर का पीटीओ है, पीटीओ के साथ में यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा हल्का सा हिस्सा पीटीओ का, पीटीओ के साथ में मैंने इसको ले लिया और पीटीओ के साथ में नट बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो नट बोल्ट लगाने की ऑप्शन है, नट बोल्ट को जैसे ही लगाया तो पीटीओ का जो लीवर था या गियर था वो इसके अंदर वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला जो भाग था इसके अंदर आकर के लॉक हो गया। अब लॉक होने के साथ में क्या हो गया, अंदर इसके फिर से गियर लगे हुए हैं जो कि इसको क्या करेंगे, जैसे ही पीटीओ यू सर्कुलेटर मोशन करेगा तो ये वाला आपके यू सर्कुलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इस पे मैंने क्या कर दिया, कोई भी फैन बेल्ट चढ़ा दिया, और फैन बेल्ट चढ़ा के दूसरा जो भी इंस्ट्रूमेंट था, जैसे ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल में फैन बेल्ट चढ़ता है, आटा चक्की की बात करें आटा चक्की में फैन बेल्ट चढ़ता है, चाफ कटर की बात करें उसमें फैन बेल्ट चढ़ता है, बाकी जनरली अपने जो लोकल पर्पज की चीजें उनमें, हाँ आप अगर वो चीजें यूज करते हो इरीगेशन के लिए चीजें यूज करते हो मोटर वगैरह, तो उसके अंदर आजकल तो क्या होने लग गया, पहले वो फैन बेल्ट वाले काम में लगते थे, आजकल वो दूसरे काम में आने लग गए, पीटीओ ड्राइव वाले काम में आने लग गए, ठीक है। तो ऑल पर्पज ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके साथ में एक बेल्ट पुली रहती है, जिसका काम क्या होगा, पुली की पावर को ट्रांसमिट करने का काम होगा किसी स्टेशनरी मशीन के लिए, स्टेशनरी मशीन जो कि एक ही जगह पे रुकी हुई है। अब गौर करना, मैंने एग्जांपल दिए आपको किन किन चीजों का, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको आटा चक्की का, वो एक ही जगह पे रहेगी, दूसरी चीज मैंने आपको एग्जांपल दिया चाफ कटर का, वो एक ही जगह रहेगा, तीसरा मैंने बोल दिया ट्यूबवेल का, वो भी एक ही जगह रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्टेशनरी मशीन है उनके लिए ये वाला अपने यूज करते हैं। अब भाई साहब स्टेशनरी मशीन के लिए क्यों काम में लेंगे, जो स्टैटिक मशीनें होंगी उनके लिए ये क्यों काम में लेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस आपका मशीन चल रही होगी, ट्रैक्टर साथ साथ चल रहा होगा और आपने पुली यूज कर रखी है, तो आपका हो सकता है कि बेल्ट इस पुली से नीचे की तरफ उतर जाए, तो वो एक समस्या रहती है, ठीक है। जबकि पीटीओ के अंदर तो वो लगता है पूरा फिट होता है वो, तो फिट होने की वजह से पीटीओ ड्राइव तो नहीं निकलता, इसलिए उसको चलते हुए मशीन यूज कर सकते हैं। किन किन चीजों को काम में लेने के लिए काम में आती है, थ्रेसर को, यहाँ पे थ्रेसर लिख दिया गया, लेकिन डेफिनेटली ऐसे प्रकार के थ्रेसर आते होंगे जो पुली की सहायता से चलते हैं, बाकी आमतौर पर मैंने जितने देखे हैं वो पीटीओ ड्राइव की सहायता से चलते देखे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हो गया, वो ट्यूबवेल वाली बातें कर दी इन्होंने। साइलेज कटर, यहाँ पे साइलेज कटर बोल दिया गया, मैंने आपको चाफ कटर बोल दिया, और कुछ इसी प्रकार की दूसरी मशीन थी। पुली जो होती है वो जनरली लोकेटेड रहती है ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से में, और पुली ड्राइव जो होती है क्लच की सहायता से इसे एंगेज किया जाता है। तो ये आपका सारा का सारा सीन था क्या होती है बेल्ट पुली। अब मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए आपको आज के लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आज क्या पढ़ाया, एयर क्लीनर उसके दो टाइप, ऑयल बाथ टाइप और आपके ड्राई टाइप एयर कल्चर एयर क्लीनर सॉरी। उसके बाद में मैंने आपको हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ाया, और उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया, पीटीओ सिस्टम पढ़ाया, और पीटीओ से संबंधित क्या था, बेल्ट पुली था, ठीक है। तो क्या समझ में आई ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे इंजन और इंजन से संबंधित जितने भी सिस्टम थे वो सारे सिस्टम कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, ट्रैक्टर पढ़ेंगे कि ट्रैक्टर क्या चीज होती है, जो नेक्स्ट लेक्चर